हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नर चैनल रोस्टिंग रिव्यू। दोस्तों अभी भी मैं देख कर आ रहा हूँ रैन बसेरा पार्ट 3, जिसमें कि भारतीजा और प्लस हिरल रडारिया का सीन देखने को मिला था। ठीक है, तो पार्ट 3 भी आज रिलीज हो चुका है, स्ट्रीमिंग हो चुका है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या सीन देखने को मिला और एंड ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में बन रहेगा एंड तक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड तक यदि वो लोग भी देखते हैं तो। अदरवाइज डोंट शेयर दिस वीडियो एनीवेयर। ओके, एक लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आसानी से कोई भी वेब सीरीज का रिव्यू वो भी देख ले। कौन कौन सी वेब सीरीज अपडेट मतलब कि अपकमिंग आती है उसका भी अपडेट मैं सबसे पहले आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि रैन बसेरा पार्ट 3 में क्या होता है। देखिए, जिस लड़के से भारती झा जो है वो प्यार करती है, वो लड़का जो है ना, जब तक प्यार कर रही हो मतलब कि प्यार उससे मतलब कि ऐसा जाहिर कर रहा होता है, जब तक वो भारती झा जो है उसके साथ सीन नहीं बना रहा होता, यानी कि सोया नहीं रहता है, तब तक उसके साथ लॉयल रहता है। ठीक है, और जैसे ही वेब सीरीज का एंड में आप लोग को देखने को मिलेगा, उससे पहले बहुत सारी स्टोरी इसमें चल रही होती है कि जो जिससे मतलब कि भारती झा प्यार करती है, और भारती झा का जो भी मतलब कि हस्बैंड है उसको भी मालूम चल जाता है कि मेरी जो मतलब कि पत्नी है वो मतलब कि जिस लड़के से प्यार करती है उसको भी मालूम रहता ही रहता है। उसके बाद उसका एक और फ्रेंड रहता है, उसको भी मालूम रहता है। तो वो क्या करता है कि जो भारती झा और प्लस उसका जो बॉयफ्रेंड है, उन दोनों का जो है कुछ सीन जो है वो कैप्चर कर लेता है मोबाइल में, और उसको मतलब कि भारती झा को अपने साथ सुलाने के लिए, उसका कोई दोस्त या फिर कोई मतलब के रहता है, अपने साथ सुलाने के लिए उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं सोएगी तो मैं तुम्हारा ये जो वीडियो है ये तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। ठीक है, तो भारती झा कहते हैं कि यार तुम जाना, जो भी करना है तुम कर ले। ठीक है, और वो सपने में ही उसके साथ भारती झा के साथ सीन में देखने को मिलेगा उसके बाद। ठीक है, मतलब कि इसी में आप लोग को सीन भी देखने को मिलेगा उस लड़के के साथ भी। उसके बाद लास्ट में होता क्या है कि जैसे ही मतलब कि भागने की तैयारी करती है, यानी कि उस अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है भारती झा। ठीक है, और इधर हीरा राडारिया भी मतलब कि एक उसको भी प्यार हो जाता है, लेकिन वो तो कोठा वाली रहती है, तो उसका भी एंड ऑफ द मतलब कि एंड ऑफ द स्टोरी यही होता है कि उसको भी धोखा देती है, यानी कि उधर लड़की जो है, लड़की धोखा देती है लड़के को, और इधर क्या होता है कि लड़का धोखा दे देता है लड़के को। यही सारा सीन इसमें देखने को मिलेगा, कंठाप कंठाप सीन भी है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सीन भी हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब मैंने देखा उसमें उतना अच्छा सीन नहीं देखने को मिला, लेकिन ऐसे ऐसे पोज के साथ मतलब कि देखने को मिलेगा भारती झा का, जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन कपड़े में ही है, लेकिन अच्छा सीन हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो वेब सीरीज है ये थोड़ा हमको अच्छा लगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उल्लू के प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज स्ट्रीमिंग हो चुकी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि बोल्ड और इरोटिक टाइप के वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, ये वेब सीरीज आप लोग के लिए आसानी से उपलब्ध है उल्लू के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रैन बसेरा पार्ट 3 नाम है इसका, और देखिए यहीं पर इसका जो स्टोरी है ये समाप्त हो जाता है। और सीन बहुत ही अच्छा अच्छा इसमें 2-3 जगह सीन देखने को मिलता है, और 2 ही एपिसोड इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस यही छोटा सा रिव्यू था। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले हॉट न्यू वेब सीरीज रिव्यू के साथ, या फिर किसी नए अपकमिंग वेब सीरीज अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।